Now we are going to start numericals of first year chemistry related to aptitude chemistry. तो इसमें हम लोग जो numerical start करने जा रहे हैं वो यकीनन पहले चार से पांच numerical mix हैं, then उसके बाद मैं chapter number one start करूँगा, ठीक है? तो numerical number one, देखिए simple question is that calculate the pH and pOH of 0.001 moles HCl solution. अच्छा 0.001 ये है molar, 0.001 molar मतलब यहाँ पर concentration given है, ठीक है? 0.001 molar HCl solution. अब इसमें सबसे पहली बात है कि हमें तो डायरेक्टली करना है लेकिन पता होना चाहिए हमें इनिशियली हमें क्या डेटा गिवन है. गिवन है हमें जब भी कोई एसिड गिवन होगा इसका मतलब H पॉजिटिव की concentration गिवन है, और जब भी कोई बेस गिवन होगा इसका मतलब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन गिवन है. सबसे पहले हमें गिवन क्या है, H पॉजिटिव कितना है 0.001 मोलर. इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें, 1 एक्सपोनेंट माइनस 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन ऑफ HCl दैट इज H पॉजिटिव इज 1 एक्सपोनेंट माइनस 3. देन रिक्वायर्ड क्या है हमें, हमें पार्ट ए में पीएच कैलकुलेट करना है, पार्ट बी में पीओएच कैलकुलेट करना है. सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें पता होना चाहिए कि द पीएच विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. जो पीएच होता है वो नेगेटिव लॉग होता है एच पॉजिटिव की आयनिक कंसंट्रेशन का, ठीक है? तो ये आ गया हमारे पास एच पॉजिटिव की आयनिक कंसंट्रेशन. जस्ट हमें न्यूमेरिकल में पहले लॉन्ग हिस्सा आना चाहिए, इसके बाद मैं शॉर्टकट बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है? देखिए मैं डायरेक्टली बता दूं इसकी पीएच 3 आएगी और पीओएच 11 आएगी. इस न्यूमेरिकल को देख के बता देंगे कि भाई पीएच कितनी आएगी और पीओएच कितनी आएगी. पहले जरा लॉन्ग मेथड सीख लें और उसके बाद मैं शॉर्टकट टेक्निक बता दूं इसकी. देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पुट डाउन की 1 एक्सपोनेंट माइनस 3. उसके बाद हमें बताया कि लॉग ए इनटू बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी. यहां पर सिंपल फॉर्मूला है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और लॉग उस पर मल्टीप्लाई हो रहा है, लॉग अप्लाई हो रहा है, तो दोनों पे लॉग अलग अलग अप्लाई होगा और दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड. अगर लॉग अप्लाई करें दोनों नंबर पे ए और बी पर तो क्या हो गया, लॉग वन प्लस लॉग एक्सपोनेंट माइनस 3, ठीक है? ये आ गया लॉग हमारे पास. इसके बाद लॉग वन कितना होता है, जीरो. हम जानते हैं लॉग वन जीरो होता है. लॉग ए की पावर बी कितना होता है, बी लॉग ए. तो पावर नीचे आ जाएगी माइनस 3. लॉग मल्टीप्लाई होगा 10 से. लॉग 10 कितना होता है, 1. लॉग 10 कितना होता है, 1. और लॉग 1 कितना होता है, 0. माइनस 1 माइनस 3 माइनस बाहर. तो पीएच हमेशा आएगी पॉजिटिव में. याद रखिएगा पीएच या पीओएच हमेशा पॉजिटिव आते हैं, कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है? तो इसके बाद अगर हम देखें तो पीएच कितनी निकल के आई हमारे पास, पीएच आ गई 3. और अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पर पीओएच किसकी इक्वल आएगा, 14 माइनस पीएच. 14 माइनस पीएच का मतलब 14 माइनस 3. तो ये आ गया पीओएच कितना, 11. तो हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द शॉर्टकट टेक्निक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. बहुत ही आसान है. इनिशियली जब भी हमें एसिड गिवन होगा, जब भी हमें एसिड गिवन होगा इसका मतलब एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन होगी. जब भी हमें बेस गिवन होगा इसका मतलब ओएच नेगेटिव की कंसंट्रेशन गिवन होगी, ठीक है? एसिड गिवन है तो एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन, बेस गिवन है तो ओएच नेगेटिव की कंसंट्रेशन गिवन. सबसे पहले हमें जो भी कंसंट्रेशन गिवन होगी, फॉर एग्जाम्पल 0.001, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे. याद रखिएगा ये पीएच का एच पॉजिटिव से रिलेशन क्या है, जो भी एक्सपोनेंट में नंबर आ रहा होगा वही होगा पॉजिटिव में पीएच. ये आएगी पीएच, ये क्या होगी पीएच. अगर एक्सपोनेंट माइनस 3 है तो प्लस पीएच, पीएच कितनी होगी 3. माइनस 4 है पीएच 4, माइनस 5 पीएच 5. इसका मतलब एच पॉजिटिव आयन अगर गिवन होगा तो हम एच पॉजिटिव आयन से डायरेक्ट पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं और OH नेगेटिव आयन से डायरेक्ट POH. हमने जैसी कंसंट्रेशन निकाली हमें इतना बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
डायरेक्ट जो एच पॉजिटिव जो कंसंट्रेशन है एक्सपोनेंट के अंदर ये नेगेटिव में आ रहा है तो पीएच और पीओएच हमेशा पॉजिटिव में होगी, तो पीएच कितनी आ गई, पीएच इसकी आ गई 3, डायरेक्ट निकाल दिया। और पीओएच निकालने का तरीका क्या है, 14 में से पीएच माइनस कर दें, ठीक है 14 में से माइनस कर देंगे पीएच तो कितना आंसर आ गया, पीओएच विल बी इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट टेक्निक है, अगर हमें मेडिकल या इंजीनियरिंग के टेस्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं तो न्यूमेरिकल लेंथ इतनी ही होती है, शॉर्टकट तरीका ये होता है जो भी एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन होगी तो पहले हम पीएच निकाल देंगे डायरेक्ट और पीएच से पीओएच निकाल देंगे, अगर ओएच नेगेटिव की कंसंट्रेशन गिवन होती है तो ओएच से पहले पीओएच निकालेंगे और फिर क्या निकाल देंगे पीएच। इसका मतलब दोनों मेथड आसान से हैं, ये इसमें जो अभी मेथड बताया मैंने ये शॉर्टकट टेक्निक है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स विच इज प्रेजेंट इन योर टेस्ट और जो कि तकरीबन इट विल टेक 20 to 30 seconds, अगर आपको आता है आप फौरन यानी कि 10 सेकेंड में कर लेंगे इसको, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें एच पॉजिटिव गिवन है तो एच पॉजिटिव से हम कैलकुलेट करते हैं पीएच, ठीक है। और अगर हमें ओएच नेगेटिव गिवन है तो ओएच नेगेटिव से हम कैलकुलेट क्या करते हैं पीओएच, पहले ये बात समझ में आनी चाहिए, हम एच पॉजिटिव से निकालते हैं पीएच, ठीक है, और OH नेगेटिव से कैलकुलेट करते हैं हम लोग POH, ये बात समझ में आ गई। देन अब रिलेशन क्या है हमारे पास, जब भी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव गिवन होगा हमेशा फ्रैक्शन में गिवन होगा, 0.001, 0.002, 0.003 इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं ताकि आप विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आसानी से कर लें। अगर H पॉजिटिव देखें हमें गिवन था 0.001, 0.001 को हमने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया 1 exponent minus 3, तो अगर 10^-5 लिखा हुआ तो हम इससे पीएच कैसे निकालें, तो जो भी पावर होगी माइनस में वही क्या होगी हमारे पास पीएच, एक्सपोनेंट माइनस 5 लिखा हुआ तो पीएच कितनी आएगी 5, एक्सपोनेंट -6 लिखा हुआ तो पीएच कितनी आएगी 6, ठीक है। और अगर हमें इससे पीओएच निकालना है तो पीओएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे 14 माइनस पीएच कर लेंगे, सिंपल, यानी कि हमने डायरेक्ट टेक्निक निकाल दी, जो भी एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंट माइनस 3 गिवन है तो पीएच आ जाएगी डायरेक्टली 3, एक्सपोनेंट माइनस 5 है तो पीएच आ जाएगा 5, एक्सपोनेंट माइनस 6 है तो पीएच आ जाएगा 6। इसी तरीके से अगर पीओएच के लिए हमें निकालना है और ओएच गिवन है, ओएच फॉर एग्जांपल कितना गिवन है एक्सपोनेंट माइनस 9, अगर एक्सपोनेंट माइनस 9 गिवन है तो ओएच से पीएच नहीं आएगा, ओएच से आएगा हमारे पास पीओएच, एच से आएगा पीएच और ओएच से आएगा पीओएच। अब पीओएच कितनी आ जाएगी, जो भी एक्सपोनेंट में नंबर होगा माइनस में वो पॉजिटिव लिख दे, खत्म, एक्सपोनेंट माइनस 9 है तो पीओएच कितनी आ गई 9। और अब पीएच निकालने का तरीका क्या है, तो पीएच कैलकुलेटेड बाय 14 माइनस पीओएच, खत्म, कितनी आसान सी बात थी। क्वेश्चन नंबर टू देखिए बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, ये एक बार आ गया था किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर, ठीक है, तो अब जरा इसको देख लेते हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, कोई मसला ही नहीं है। When 150 cm³ of 1 molar hydroxide solution at 21 degree Celsius is mixed with 150 cm³ of 1 molar hydrochloric acid 21 degree Celsius temperature पर in a polystyrene cup, the temperature of mixture rose to 27.8 degree Celsius. If the specific heat of the solution is 4.2 joule per gram centigrade, find out the heat of neutralization. If mass of salt solution is 100 gram, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्व करने का तरीका इंतहा आसान सा है, जरा डेटा निकालते हैं इसमें से। देखिए इनिशियली बोला गया हमारे पास एक HCl और एक हमारे पास हाइड्रोक्साइड है,
तो टेम्परेचर T1 कितना है 21 डिग्री सेल्सियस, T2 कितना है 27.8 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर 27.8 डिग्री सेल्सियस। देन स्पेसिफिक हीट गिवन है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस एंड साथ साथ मास ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन गिवन है 100 ग्राम्स। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक ही बात है। अगर केमिकल रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी, अदरवाइज हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व हो रही है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन डेल्टा एच इज इक्वल टू एम एस डेल्टा डी। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबका निकालने का एक ही फॉर्मूला है, एम एस डेल्टा डी। मास भी गिवन है 100, स्पेसिफिक हीट 4.2 और डेल्टा टी टेम्परेचर 27.8 माइनस 21। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, 2856 जूल। ये क्या आ गई हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन, रिजल्ट आ गया हमारे पास। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी आ गई, अगर इसको कन्वर्ट करना है किलो जूल में तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अगर जूल में आंसर लेके आना है तो 2856 जो हमने मल्टीप्लाई किया वही आंसर, और अगर किलो जूल में आंसर लेके आना है तो डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर द सब्लिमेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन। पहली बात हमें ये पता होना चाहिए सब्लिमेशन किसे कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इन टू गैशियस फॉर्म विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। अगर सॉलिड को हीट दें और सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैशियस में, वेपर स्टेट में, बगैर लिक्विड स्टेट में जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लिमेशन। देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल है बहुत ही आसान सा ही, H2+I2 2HI, फिर H2+I2 2HI, दो इक्वेशंस गिवन है हमारे पास। ठीक है, दो इक्वेशंस गिवन है और दोनों में दो दो वैल्यूज गिवन है डेल्टा एच की। हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है ये। हमें रिएक्टेंट में चाहिए आयोडीन सॉलिड और प्रोडक्ट में चाहिए आयोडीन गैस, बस ये याद रखिएगा। ये अगर बात समझ में आती है ना तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल बन गया। क्या मतलब, दोबारा सोचिएगा भाई कितना करेंगे इसको। देखें हमें रिएक्टेंट में क्या रिक्वायर्ड है, आयोडीन। ठीक है, किस स्टेट के अंदर, आयोडीन चाहिए हमें सॉलिड में। ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट में चाहिए हमें आयोडीन I2 किस स्टेट के अंदर, गैस में। जस्ट हमारे पास फाइनल अगर ये इक्वेशन आ गई तो इसमें जो डेल्टा एच है, इसमें जो एच आएगा हमारे पास वो क्या होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसमें हमें एच मालूम करना है, जो एच होगा वो क्या होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इंतहाई आसान। नाउ देखते जरा इसको, देखें आयोडीन एक गैस नजर आ रहा है हमें, आयोडीन एक सॉलिड नजर आ रहा है। ठीक है, हमें गैस को लेके जाना है प्रोडक्ट साइड पर, तो क्या करें, पहली क्वेश्चन का नाम 1, दूसरी क्वेश्चन का नाम 2। तो हमने इक्वेशन 1 दिया, इक्वेशन 2 दिया, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। सबट्रैक्ट करवा देंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो हम क्या हासिल करेंगे जरा और से देखिएगा। ये देखें जब सबट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, साइन चेंज, सबट्रैक्ट होगा साइन चेंज, हाइड्रोजन आयोडीन और 2HI सब नेगेटिव हो जाएंगे और डेल्टा एच जो था सेकंड इक्वेशन का +9.5, ये क्या हो जाएगा, माइनस था, पॉजिटिव हो गया। अब देखें इसके बाद जब वैल्यू की बात करेंगे, ये कैंसिल आउट, क्या कैंसिल आउट हो गया, HI गैस कैंसिल आउट, H2 गैस कैंसिल आउट, बचा क्या, I2 सॉलिड माइनस I2 गैस, और प्रोडक्ट में क्या बचा, 0। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, ये देखें जरा गौर से, देखें फाइनल हीट क्या निकल गया है। अब मुझे जरा स्क्रीन क्लियर करनी पड़ेगी, स्क्रीन क्लियर करते हैं, देखिए मैं हुआ क्या, ये आयोडीन यहां पर हो रहा था सब्ट्रैक्ट रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट पे जाके क्या हो गया, माइनस।
पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब आई सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो गया, आई गैस में। तो इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकली है इसी को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये हीट ऑफ सब्लिमेशन है, ठीक है। यानी कि जस्ट हमने आयोडीन सॉलिड को रिएक्टेंट पे लेके आ गए, आयोडीन गैस को प्रोडक्ट साइड पर लेके आ गए, और जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की है उससे जो हीट ऑफ फॉर्मेशन थी उसी को कहेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन। दिस वन इज अ लॉन्ग टेक्निक। शॉर्ट टेक्निक किस तरीके से करेंगे, हमने सिंपल क्या करना है, जब फाइनल में एप्टीट्यूड टेस्ट में ये सवाल गिवन होगा तो हमें इतना बड़ा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। हमने देखा इक्वेशन बैलेंस है पहले से, अगर बैलेंस नहीं तो पहले बैलेंस करेंगे और सिर्फ ये देखेंगे रिएक्टेंट पे क्या रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट पे क्या चाहिए। हमने गैस आयोडीन गैस चाहिए था कहां पर, प्रोडक्ट साइड पर। तो आपने बहुत सारी वीडियोस में न्यूमेरिकल देखे होंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन के, वहां मैंने ये बताया है कि जो चीज हमें प्रोडक्ट साइड पे चाहिए अगर वो रिएक्टेंट साइड पे लिखी हुई है तो वो इक्वेशन क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली हम पेपर में इस तरीके से कर सकते हैं, वजह क्या है, हमें सिर्फ ये आंसर चाहिए, ठीक है। हमें इस मेथड आपने किया नहीं किया कोई सरोकार नहीं है, हमें डायरेक्टली चाहिए आंसर। तो आप डायरेक्ट इक्वेशन को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, नो नीड टू परफॉर्म दीज स्टेप्स इन सॉल्यूशन। डायरेक्टली जितना शॉर्टकट मेथड है उतना अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी कम से कम 2-3 लाइनों का न्यूमेरिकल है, लेकिन हम पहले पूरा समझेंगे देन इसका शॉर्टकट मेथड समझ लेंगे। आसान न्यूमेरिकल, अ फ्लास्क कंटेन 30 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन, इट रिक्वायर 50 ml ऑफ 0.15 मोलर H2SO4 फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन या रिएक्शन। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH वर इन द फ्लास्क, ठीक है। फाइनल में कोई एक चीज पूछी जाएगी, यहाँ पर दो चीजें पूछी गई, मोलैरिटी भी बताएं और मास भी बताएं। इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, इक्वेशन पहले से बैलेंस। अब यहाँ पर हम पूरा का पूरा लॉन्ग कट मेथड बता रहे हैं, तरीका क्या है करने का। डेटा में सबसे पहले गिवन है NaOH के लिए वॉल्यूम ऑफ बेस कितना है, 30 ml, मोल्स ऑफ बेस 2। याद रखिएगा मोल्स ऑफ बेस का हो या कोफिशिएंट का हो, एक ही बात है, ये कोफिशिएंट है NaOH के, ये जरूरी है लिखना। वजह क्या है, एक फॉर्मूला होता है N1V1 = N2V2, वो इस्तेमाल नहीं होगा, यहां पर होगा N1V1/N1 = N2V2/N2। किस तरह जरा देखते हैं, फॉर H2SO4 वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना है, 50 ml, और मोलरिटी ऑफ एसिड कितनी है, 1.15 मोलर। मोल्स कितने, कोफिशिएंट कितने H2SO4 के, H2SO4 का एक कोफिशिएंट है। अब जरा एक मिनट रुकिएगा, जरा देखें यहां पर असल में लिखा हुआ है H2SO4, ये है H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 यहां पर हमें गिवन है, ठीक। तो H2SO4 लिख दिया हमने ताकि इक्वेशन समझने में आसानी हो जाए। तो हमने देखा यहां पर हमारे पास NaOH और H2SO4 के लिए क्या क्या गिवन है, एक फॉर्मूला है सॉल्यूशन में, हमने इक्वेशन देखी, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला M1V1/N1 = M2V2/N2, MA मोलरिटी ऑफ एसिड, VA वॉल्यूम ऑफ एसिड, MB मोलरिटी ऑफ बेस, VB वॉल्यूम ऑफ बेस। ये NB क्या चीज है यहां पर, NA क्या है और MB क्या है, NA कोफिशिएंट ऑफ एसिड और MB कोफिशिएंट ऑफ बेस, ये दो चीजें हैं, ठीक है। कोफिशन क्या है, देखिए यहां लिखा हुआ 1, कोफिशन ऑफ एसिड कितना है 1, और यहां लिखा हुआ है 2। जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज तो क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, देखें हमें चाहिए मोलरिटी ऑफ बेस, हमने तमाम वैल्यूज कोफिशन ऑफ बेस जाके मल्टीप्लाई हुआ, वॉल्यूम जाके डिवाइड हुआ, वैल्यू पुट डाउन कर दी, ठीक है। वैल्यू पुट डाउन करने पर हमारे पास देखिए बहुत ही आसान, 0 से 0 कैंसिल आउट और 3 5 15 आ गया 0.5 और ये वैल्यू निकल के आ गई 0.5, ठीक है। तो हमने निकाल दी मोलरिटी ऑफ बेस कितनी निकली, 0.5 मोलर।